मेन रास्ता छोड़ के हम इस रास्ते पे न्यू रास्ते, आज तक कोई इस रास्ते पे आया नहीं, मतलब ऐसा नहीं बना कि रेगुलर वे बनानी है, तो हम लोग इसी रास्ते पे कंटिन्यू करके यहाँ से चलेंगे। लोग केदारनाथ से निकल चुके हैं, केदारनाथ से निकल रहे हैं बाबा के आखिरी दर्शन करते हुए, बाबा की कृपा लेते हुए, और निकल पड़े हम सबके सब। जय बोले की सिक्के भाई, जय बोले, जय बोले रोहित, जय बोले की। तो हम लोग चल पड़े, चलते हैं रास्ते में, फिर नीचे गाड़ी के पास जाएंगे, गौरीकुंड के पास गाड़ी खड़ी है, फिर वहाँ से देखते हैं कहाँ तक आज हमारा स्टॉप होगा, क्योंकि आज दिल्ली को हम नहीं कर सकते एंटर, फिर जहाँ भी स्टॉप करेंगे फिर अगले दिन हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। चलो सिया। ये यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड होता हुआ बिल्कुल हमारे फेस के आगे, हाय एवरीवन। हम लोगों ने जो वे है, जो नॉर्मल वे है वो छोड़ दिया है, और हम लोगों ने अपना एक वे ट्राई करा है नदी के साथ साथ जाने का। सो अभी हम लोग जो मेन वे है ऊपर, उससे नीचे उतर चुके हैं, और हम यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं। वे हमें नहीं पता है, और हम अपने रिश्ते हैं, किसी की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो अपने रिश्ते जाएंगे नीचे। तो अगर आप लोग भी करो तो अपने रिश्ते करना, क्योंकि हम लोगों को लिटरली में वे नहीं पता, लेकिन अगर मिला मेरे को वे तो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूँगा। तो आई एम गोइंग राइट नाउ, बिकॉज यहाँ पर ब्लॉग चलते चलते नहीं बना सकता, बहुत ही स्लिपरी पत्थर है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। सो आई एम गोइंग, सी यू। सो हमें यहाँ से लेकर नदी तक का तो वे मिल गया है, नदी जस्ट मेरे बिल्कुल नीचे है, मेरे को उसका वे तो मिल गया है, और हमारे टीम के बाकी लोग, यो मैन हाउ इज इट, अभी ये प्रॉपर ट्रैकिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, प्रॉपर ट्रैकिंग। और दोबारा से रिपीट करता हूँ, ये हमारे अपने रिस्क पे है, अगर आप भी ऐसा कुछ करो तो अपने रिस्क पे करना, बिकॉज लिटरली में तो आप देख सकते हो कितना रिस्की वे है, बहुत ज़्यादा, और नीचे पानी का फ्लो भी बहुत ज़्यादा तेज है। सो इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे चलते हैं, आगे मिलता हूँ। सो लेट्स गो। तो हम लोग वो ऊपर से चढ़ के नीचे तक आ चुके हैं, और बहुत ऑलमोस्ट हम लोगों ने काफ़ी लंबी ट्रैकिंग कर दिया, और शायद हम लोग बहुत लंबा रास्ता बचा भी ले। यहाँ पर रिवर बिल्कुल हमारे बगल में, रिवर पे बहुत पास हूँ, बहुत पाई, विद इन 5 मिनट मैं रिवर के पास पहुँच जाऊँगा, फिर आपको मिलता हूँ। सो लेट्स गो। ये ऊपर का व्यू एक बार दोबारा देखो, यहाँ से हम लोग आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर थोड़े से आलू बॉईल करके लाए थे, क्योंकि रास्ते में कोई चीज़ चावल वावल खाना बेकार है, हम अपने साथ आलू बॉईल करके लाए थे, और सबसे बढ़िया स्रोत है ये काप का, और कार्बोहाइड्रेट से हमारे में एनर्जी बढ़ेगी, और जितनी एनर्जी हमारे में अंदर होगी उतनी जल्दी से हम वो अपना रास्ता कवर कर पाएंगे। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मिस्टर अभिनव? शुरू में मुझे बहुत डर लग रहा था, बट बलवंत आप तो जानते हैं बहुत बड़े माउंटेन ट्रैकर है, माउंट एवरेस्ट के लिए ट्रेनिंग करी हुई है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है, इन्होंने रास्ता दिखाया और मैं चलता हुआ आ गया, तो बहुत मजा आ रहा है। मिस्टर नेगी रूल्स, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक चिल्ला के दिखाओ, ये चिल्ला रहे गोरिल्ला पागल हो गया यार, ये इसका सपना है कि ये यहाँ पर ऐसे चिल्लाए आबादियों में, क्योंकि दिल्ली में चिल्ला नहीं पाता है। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस भाई? आउटस्टैंडिंग, मुझे इतना मजा आ रहा है जो मैंने लाइफ में अपनी आज तक कभी नहीं जिया, मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू भाई। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मिस्टर रोहित द बैनर? बहुत ही बढ़िया, पिछली दफा डर था लेकिन कवर कर लिया हमने, बहुत मजा आया। यो, जैसा कि आप लोगों से वादा किया था, ऐसी ऐसी जगह अपने ब्लॉग में शो करेंगे जो कोई और ब्लॉगर यहाँ पर आके केदारनाथ आके नहीं दिखाएगा और ना ही कर सकता है। दुनिया ट्रैक करती है, ऊपर जो ग्रिल लगी रहती है उस रूट से, या वहाँ पर छोटे छोटे शॉर्टकट है, वहाँ से हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, जस्ट विद द नदी, जस्ट विद द रिवर, रिवर के बिल्कुल साथ साथ। हम लोग कहाँ से आए हैं, वो जो ऊपर टॉप पे दिख रहा है वहाँ से हम लोगों ने शॉर्टकट मारा, नीचे नीचे नदी के साथ साथ आते हैं, और हम यहाँ तक पहुँच गए, और इसी रूट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे,
भीम पुल तक, फिर वहां से तो आगे देखते हैं कैसे होगा, और यहाँ से हम भीम पुल तक वही करेंगे। बिल्कुल, तो हम लोग बिल्कुल रिवर के साथ साथ चलना स्टार्ट कर चुके हैं। रिवर का फ्लो बहुत ज़्यादा तेज है, जैसे आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज है रिवर का फ्लो। यहाँ पर मेरी टीम ट्रैकिंग कर रही है कंटिन्यू। यहाँ से ऊपर से वाटर फ्लो भी हो रहा है, पीछे इतने बड़े बड़े रॉक्स है, देख कर डर लग रहा है नीचे आ गए तो क्या होगा। तो चलते आगे, लेट्स सी क्या मिलता है। हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं, अभी मैंने आपको लास्ट दिखाया था वो वाटरफॉल, उस वाटरफॉल से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। इन्हें की जो चिल्ला रहे हैं यहाँ पर, और हमें आगे निकल गया है, और सामने जो ब्रिज दिख रहा है बस वहीं तक जाना है हमें। हम जल्दी कवर कर लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। सो हालत खराब हो गया, तो चलते आगे। हाय, सो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, कहीं नहीं पहुँच चुके, अभी भी हम उस नदी के साथ में चल रहे हैं। तो जो नदी है बिल्कुल मेरे बगल में ही है, क्योंकि हमने इसको छोड़ा नहीं है, बिकॉज एक माउंटेन रूल होता है कि अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो नदी के साथ साथ चलो, आपको रास्ता मिल जाएगा। तो अभी है थोड़ा सा रास्ता, दिख तो रहा है मेरे को भी कहाँ से कहाँ तक जाना है, बस वही देख रहे थोड़े रॉक्स ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर लैंड स्लाइड्स की वजह से, तो रास्ता ढूंढ रहा हूँ कैसे जा सकते हैं। अभी टीम है ही साथ में, है उम्मीद पे, दुनिया कायम है, थक गया है सब, तो कोई नहीं, करेंगे इनको मोटिवेट और लेके चलेंगे इनको आगे तक। तो गाइस आगे देखता हूँ मैं इसको कैसे एग्जिट करता हूँ, इस रिवर वाले व्यू को वो आपको दिखाता हूँ। चुका हूँ ऑलमोस्ट, आधा रास्ता कवर कर चुका है इस नए रूट से। ढूंढने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है, रास्ता भी बहुत डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट है, बट विद दैट मज़ा बहुत आ रहा है। ऊपर जाना भी डिफिकल्ट था, बट ऊपर जाने में फ़न नहीं था, क्योंकि सेम रूट सेम वे सेम था, कुछ भी डिफरेंट नहीं था। यहाँ पर लाइक झरने भी दिख रहे हैं, रॉक्स भी दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे रॉक्स दिख रहे, केव्स तक भी हमको लोगों को दिखी है, साथ 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 में रिवर है, सामने अपनी डेस्टिनेशन बिल्कुल क्लियरली दिख रही है। सो मज़ा आ रहा है इस वाले रूट पे मेरे को बेसिकली है। साथ में लोग हैं, थोड़े से टायर फील कर रहे हैं, एक के पैरों में थोड़ा सा ट्विस्ट भी हो गया है, क्योंकि लूज रॉक्स है, क्योंकि यहाँ मोस्टली लैंड स्लाइड्स होती है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। हो चुके हैं, बिकॉज रास्ता नहीं मिल रहा है, ये जो रास्ता है यहाँ पर इतनी जो गैप है, तो उसे जंप करने में थोड़ा सा डर लग रहा है, रस्ती है वो बहुत छोटी है, उसे करने में डर लगा, ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो बहुत पास, सिर्फ ये एक लास्ट यहाँ पर एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को क्रॉस कर लिया तो फिर तो हम लोग कर लेंगे। तो क्या करें, रस्ती देख के आगे से क्रॉस कर लिया तो हम लोग को देखते। सॉरी फ्रेंड्स, बट अनफॉर्चुनेटली हमें अपना ये ट्रैक या अनएक्सप्लोर्ड एडवेंचरस ट्रैक को यहीं पर रोकना पड़ेगा और वापस नॉर्मल वे पे जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी मैंने आपको दिखाया कि वहाँ से आगे का रास्ता कितना डेंजरस है, वो एक स्टेप कितना डेंजरस है। सो मैंने डिसाइड किया है, हमने डिसाइड किया है कि हम लोग अपने नॉर्मल वे पे जाएंगे। सो क्या लगता है आप लोगों को, कि मेरे को ये रिस्क लेना चाहिए था, मेरे को ये अपने ट्रैक कंटिन्यू करना चाहिए था या नहीं, कमेंट करके बताना, क्या मैंने मेरा डिसीजन जो मैंने डिसीजन दिया है ट्रैक क्विट करने का, ये सही है या गलत। ओके, सो अब हम लोग नॉर्मल वे पे जाने वाले हैं, फिर वहाँ से निकलेंगे अपन सीधा सोनप्रयाग, सोनप्रयाग से गाड़ी उठा के दिल्ली। चलो सी गाइस।